हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, असम राइफल का भर्ती फाइनल जो है आ चुका है और मतलब अप्लाइंग तो होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग जो लोग करना चाहते हैं कर लीजिए, स्टार्ट हो चुके हैं, वेबसाइट भी खुल चुका है और इसमें लास्ट डेट वगैरह क्या है वो सब कुछ बताने वाला हूँ मीटिंग में, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट तरीके से मैं बताऊँगा। अगर फुल्ली नोटिफिकेशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो 25 अक्टूबर तक आप लोग का ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेगा, ठीक है। और उसके बाद 11 सितंबर विद ऑनलाइन एप्लीकेशन सर्वर विल स्टार्ट फंक्शनिंग फ्रॉम 11 सितंबर से, मतलब स्टार्ट हो चुका है। मतलब अभी जो है आज 12 है, तो मतलब कल से हो चुके हैं, ठीक है। असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रीटमेंट रैली 2021, मतलब दिसंबर 21 दिसंबर तक, मतलब इसका रिक्रूटमेंट जो है संभावना है, होने की चांसेस, ठीक है। और इसमें कट ऑफ रहेगा आप लोगों का, और 18 to 23 ईयर्स तक मिनिमम एज लिमिट वगैरह है, और रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाएगा। ST SC को 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स, एक सर्विसमैन के लिए तो है, आप सभी को पता है। और उसके बाद देखते हैं हम लोग इसका जो है एज लिमिट जो काउंट किया जाएगा वो 1 अगस्त से काउंट किया जाएगा, ठीक है। कट ऑफ वगैरह भी देख सकते हैं आप लोग। और इसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं कि क्या क्या कोर्स इसमें दिए गए हैं। तो ऑनलाइन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन मोड ही होगा अप्लाई। और इसका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट सब कुछ होगा, एक्सरे, हवलदार, असिस्टेंट राइफलमैन, इलेक्ट्रिकल, ये सब कुछ है। और प्लम्बर, राइफलमैन कुक, राइफलमैन वाइबर बार्बर, राइफलमैन सफाई वाला कर्मचारी जो होता है, मैकेनिक, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, हवलदार, इंस्ट्रूमेंट, ये सब है। और फुल स्टार हवलदार, वारंट ऑफिसर, वेटरनरी का भी इस बार जो है पोस्ट निकला हुआ है, ठीक है। तो जो भी आपका चॉइस होता है तो वही पोस्ट आप लोग सेलेक्ट करके अप्लाई कीजिएगा। और मिनिमम हाइक जो है यहाँ पे मेंशन किया है 170 जो है जनरल, मतलब ऑल कैंडिडेट के लिए होना ज़रूरी है 170। और 80 जो है सेंटीमीटर आप लोग का चेस्ट वगैरह है नॉर्मल, और एक्सपेन में आप लोग 85 होना चाहिए। और बाकी जो जो लोग स्पेशली जो गोरखाली, कुमाऊनीस, डोगरा इन सब आता है, और असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, इन सभी में से अगर आता है तो 165 आप लोग का हाइट होना ज़रूरी है, 78 सेंटीमीटर चेस्ट, और एक्सपेंस में आप लोग को जो है 83 सेंटीमीटर मैंडेटरी है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें सब कुछ होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह सब कुछ होता है। और उसके बाद फीमेल के लिए यहाँ पे दे रखा है, इनके लिए फीमेल के लिए भी 170 ऑल के लिए। और जो लोग स्पेशली है वही नॉर्थ ईस्ट वगैरह और जम्मू कश्मीर, तो 155 सेंटीमीटर आप लोग का चेस्ट फीमेल के लिए है। मेल फीमेल के लिए यहाँ पे अलग अलग दो टाइप का दिया है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं नीचे कि क्या है, यहाँ पे सब कुछ है आप किस कैटेगरी में पड़ता है। और सेंटर ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड, मतलब सेंटर जो है आप लोग को कहाँ कहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। असम में ही डिफू में है, कार्बी आंगलोंग है, हेडक्वार्टर DGAR मतलब शिलोंग में है, मेघालय में होता है, जोरहाट NEFA GAT, असम सिलचर में होता है, मोशिमपुर, लोखरा, तेजपुर असम, तो मतलब इन जगह में होते हैं। लोखरा बोले तो आपका गुवाहाटी में हो सकता है, और मैं सिलचर में एक बार गया था 2019 में, ठीक है। तो बहुत अच्छा है, इन सभी जगह में जो है आप लोग का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, मतलब रनिंग वगैरह होने वाला है, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट बिलोंग टू द फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी नॉट एलिजिबल, मतलब उन सभी के लिए जो है नहीं है। और इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को क्या क्या चाहिए वो भी दिया रखा है, मोबाइल नंबर एंड अदर्स इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट आर बैन विद द, मतलब ये सब आप लोग को बंद होना चाहिए, लेके नहीं जा सकते रैली के टाइम में, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं हम लोग, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इसमें आप लोग को टाइमिंग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, 5 किलोमीटर है मेल के लिए, 24 मिनट आप लोग को क्वालिफाई करने के लिए टाइम दिया जाता है। और उसके बाद आप लोग फीमेल के लिए जो है 1.6 किलोमीटर है, 8 मिनट 30 सेकेंड में आप लोग को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फीमेल वही सेम है,
फॉर फीमेल कैंडिडेट 80 मीटर रन टू क्वालिफाई विद इन 4 मिनट, सॉरी ये देखता हूँ मैं पहले, फॉर मेल कैंडिडेट 5 किलोमीटर टू क्वालिफाई विद इन 24 मिनट, यहाँ ये है फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग है और 8 मिनट में, और लद्दाख रीजन में जो होगा मेल के लिए जो है मतलब इन जोन के लिए अलग करके रखा है, लद्दाख रीजन के लिए 1.6 किलोमीटर, मेल के लिए 8.30 सेकेंड मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है, मतलब 8.5 मिनट टाइम मिल जाएगा। उसके बाद फॉर मेल कैंडिडेट रन टू क्वालिफाई 6 मिनट 30 सेकेंड, फॉर फीमेल 800 मीटर रन टू क्वालिफाई, मतलब ये सब रखा है जो लोग लद्दाख रीजन से पढ़ता है अगर, ठीक है, उनके लिए स्पेशल है ये, बहुत अच्छा है उनके लिए। और इसमें राइटिंग टेस्ट वगैरह सब कुछ होता है, टेट टेस्ट, स्किल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, मेरिट लिस्ट, उसकी बात ही आप लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट अगर आप लोगों का डिफॉल्ट है, कुछ भी FIR वगैरह है, तो आप लोग को नौकरी मिलने के चांसेस नहीं है, सब उन्होंने कहा है। और सभी मतलब पोस्ट का जो टेट टेस्ट है वो ज़रूर होगा, ठीक है। और ये PDF या इस PDF को जो आप लोग डाउनलोड करके ज़रूर देखना, उसके बाद ही अप्लाई करना कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग किस स्टेट के लिए क्या क्या पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे असम के लिए जो है, यहाँ पे असम के लिए दिया है, उसके बाद बिहार में क्या क्या पोस्ट है और किस कैटेगरी में आप पढ़ता है और क्या क्या, सब कुछ आप लोग को खुद ही मतलब क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग अप्लाई कर लीजिए। मान लीजिए कि मैं मेघालय से हूँ, आपने असम की पोस्ट जो दिया रखा है इसमें स्टेट, तो उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किया मैं असम की पोस्ट का, तो 100% जो है मैं रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब काम बने नहीं पाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं मेघालय का देखता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हवलदार क्लर्क के लिए है एक, फार्मेसिस्ट के लिए है, राइफलमैन कुक के लिए है एक, और राइफलमैन मेल सफाई के लिए एक है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर क्या कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए।